हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे चिकन। जैसे कि नवरात्र खत्म हो चुके हैं, दशहरा भी जा चुका है, तो अब हम फील फ्री होकर चिकन बनाएंगे। तो आज मैं अपने स्टाइल में आपको एक चिकन बनाना सिखाती हूँ। इसका कुछ नाम नहीं है, बस ये मेरे स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो और ये मैं अक्सर बनाती हूँ और मुझे इसके लिए कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल चुके हैं, तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको बनाती हूँ अपनी लोहे की कढ़ाई में। तो इसका मैंने आज मल्टी यूज़ किया है। पहले मैंने इसमें भिंडी की सब्जी बना के निकाल दी है, क्योंकि मैंने सोचा कि बार बार कौन इनको वॉश करेगा। तो मैंने इसमें पहले भिंडी की सब्जी बना ली, तो उसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, तो उसको बना के मैंने पोच निकाल दिया और टिश्यू पेपर से अपनी कढ़ाई को दोबारा से क्लियर कर लिया। तो अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सरसों का तेल। तो सरसों का तेल लेंगे हम यहाँ पे। हम 1 केजी चिकन ले रहे हैं, तो 1 केजी चिकन में मुझे कम से कम 4 टेबलस्पून सरसों का तेल चाहिए। और मेरे को चाहिए 1 बटर, जो आपका आपका हमारा जो बटर का पैकेट आता है 100 ग्राम का, तो आप 50 ग्राम बटर ले लीजिए, वो भी इसके साथ जाएगा। और यहाँ देखिए, मैंने ये मिक्सी में 10-12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मिक्सी में बस थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। तो पेस्ट नहीं बनाया मैंने, तो ये हम दे देंगे। तो जैसे ये थोड़ा गर्म हो जाता है, इसमें हम डालेंगे अपने लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो बटर जो अपना अभी छोड़ेगा, अपना एक ऑयल छोड़ता है बटर, तो वो अभी इसका पूरा हमारा देखो क्रॉथ आ गया ऊपर। इसको हम अभी थोड़ा सा, ये और गर्म हो जाएगा। ये देखिए, बटर का जो फ्रॉथ है वो ऊपर आ गया। अब इसमें हम डालेंगे अपना ये 1.5 टेबल स्पून भर के हम अदरक लहसुन का, ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ वो डाल देंगे। अदरक लहसुन आप थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो फ्लेवर जो आता है बहुत उभर के आता है, चिकन का भी या किसी भी डिश को आप बना रहे हैं। स्पेशली व्हेन यू आर कुकिंग नॉन वेज फूड, तो मेक इट श्योर कि आप इस पर खूब सारा लहसुन और अदरक ज़रूर डालें, इसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। तो ये हमने 1.5 टेबल स्पून भर के डाल दिया हमने अदरक लहसुन का अपना ग्राइंड पेस्ट। अब इसको हम थोड़ा पका लेंगे। इसको अच्छा पका लेंगे, 2 मिनट के लिए इसको चलाएंगे। तो ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन को थोड़ी देर के लिए पका लिया था। और इसमें हम डालेंगे, ये मैंने 4 से 5 छोटे प्याज थे, तो ये 4 से 5 लिए। बड़े लेंगे तो आप 3 प्याज काफ़ी हैं। तो ये मैंने इसको बारीक चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी ले सकते हैं, पर मैं ग्राइंड नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे चॉप ही अच्छे लगते हैं। अब इन प्याज को हम कर लेंगे अच्छे से ब्राउन, बिल्कुल हम जब इसमें ब्राउनिश कलर उभर के आएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। मुझे मन कर रहा है अब इसको। तो ये देखिए, हमारे प्याज अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम अपना ये चिकन। ये 1 केजी चिकन है जिसको मैं अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसको अब हम पकाएंगे। और इसको हम कम से कम पकाएंगे इसी प्याज के साथ, कोई इसमें नमक नहीं डलेगा, कोई भी सारे कुछ मसाला नहीं डलेगा, ये सिर्फ प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसे पकाएंगे। और अभी आप देख, थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जो चिकन है वो भी अपना ऑयल अच्छे से इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए, अब मैंने इसमें अच्छे से प्याज लहसुन को मिला दिया। अब इसको हम ढक देंगे और इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसी पकनी देंगे। और इसको हम ये ढककर इसको मीडियम से भी थोड़ा कम गैस में इसको 15 मिनट पकने देंगे। फिर 15 मिनट के बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि चिकन अपना तेल
जो ऑयल है वो भी रिलीज कर देगा, उसके अंदर जितना वाटर और ऑयल होता है वो भी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ आपसे 15 मिनट के बाद हमारा चिकन देखिए अपना पूरा ऑयल छोड़ चुका है। और ये देखिए आप जैसे कि देख रहे होंगे नीचे पूरा ऑयल हो गया है, ये चिकन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। और हम बटर इसलिए डालते हैं जो चिकन अपना ऑयल छोड़ता है उसमें अगर आप बटर ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर जो होता है वो दुगना हो जाता है। तो देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालते हैं, ये मैंने 4 टमाटर काटे हैं तो मैंने चॉप कर रखा है अच्छे से। 4 मेरे पास बड़े टमाटर थे, अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप दुगनी उसकी क्वांटिटी कर दीजिए। तो मेरे बहुत बड़े बड़े टमाटर थे तो मैंने 4 ही लिए हैं। और आप इसको मिला के टमाटर के साथ अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। तो मसालों में मैं लूँगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून भर के नमक, 1/2 टी स्पून मैं लूँगी रेड चिली पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, ये भी मैं डालूँगी 1 टी स्पून भर के गरम मसाला, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी जाएगी 1 टी स्पून, और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा चिकन तंदूरी मसाला, ये मैं डालूँगी इसमें 1/2 टेबल स्पून। तो ये सारे मसाले डाल के अब इसको हम, तो ये देखिए अब अपने सारे मसाले मिला लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारे चिकन में। और इसमें हम अब कुछ नहीं मिलाएंगे, अब इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी बिल्कुल नाम मात्र की 2 से 3 टेबलस्पून भर के दही। तो हम तो ये देखिए इसमें डालेंगे हम 2 से 3 टेबलस्पून दही। दही से इसको एक रिचनेस मिलती है जो चिकन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपने इसमें दही डाली है तो आप अपना गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखिए, क्योंकि दही जो होती है वो नमक के साथ मिलकर फटती है। इसलिए हम जब दही को मिलाएंगे उससे पहले हमारी जो गैस होती है वो सिम पे होनी चाहिए, और जब हमारी दही अच्छे से मिल जाएगी तब हम इसको 15 मिनट के लिए दोबारा से जैसे हमने ढक्कन लगा के पकाया था इसको हम वैसे ही पकाएंगे। तो इसको हम डालते हैं 15 मिनट के लिए दोबारा ढककर, और गैस की आंच रखते हैं हम मीडियम। तो आप देख सकते हैं हमारा कलर बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया है, हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली। और इसका देखिए अपने आप ही जो चिकन का ऑयल छोड़ा है उससे कितनी अच्छी ग्रेवी रेडी हो गई है। तो इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और इसको रखेंगे हम मीडियम गैस पे बिल्कुल, और 15 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी है, और आप देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी है। आप इसे चावल के साथ खाएं, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएं, बड़ा टेस्टी होता है चिकन। और इन्जॉय करके बताइए। वैसे तो मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया है क्योंकि मैं इसे अपनी स्टाइल में बनाती हूँ। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको कमेंट करके एक नाम देके मुझे बताइए कि मैं इसे क्या नाम देकर अपने मेहमानों को बताऊँ। तो मिलते हैं गाइस अनदर रेसिपीज़ के साथ। आई होप आपको मेरा ये चिकन पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ प्रेस अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे अलर्ट।